दादी भी जाएगी। तो मुझे मैं नहीं दादी यही। ये है मेरी भतीजी बुलबुल, और ये जब भी वापस दिल्ली जाती है तो बहुत रोती है क्योंकि मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ डोंट माइंड माय वॉइस। ये देखिए बुलबुल चली गई है, बहुत रोती है जब भी वो जाती है। और अब हम खा रहे हैं तंदूरी मोमो, और आज मैं आपको ले चल रही हूँ मेरठ की फेमस मार्केट लाल कुर्ती। जो लोग मेरठ में रहते हैं उन्हें पता होगा ये इतनी बड़ी मार्केट है कि जस्ट भूल भुलैया की तरह, अगर आप पहली बार जाओगे तो बिल्कुल खो जाओगे। इतनी बड़ी ये मार्केट है, आपको यहाँ पर बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, शूज़ हो, पर्स हो, लेडीज़ का, बच्चों का, जेंट्स का, हर तरह का सामान आपको यहाँ पर मिलता है। महंगा सस्ता बार्गेन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत फेमस मार्केट है ये मेरठ की लाल कुर्ती मार्केट। यहाँ पर एक से एक ट्रेंडी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा मेकअप मिलता है, तो सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और मार्केट इतनी बड़ी है कि हम 1.5 से 2 घंटे में सिर्फ एक फेज़ ही इसका घूम पाए थे, पूरा वीडियो में शूट नहीं। पूरा मार्केट घूमने में तो आप समझो कि आपको आधा दिन लग जाएगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको मेरठ की फेमस मार्केट लाल कुर्ती मार्केट। ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का सेक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी आपको यहाँ पर कपड़े देखने को मिलते हैं। जो भी लेटेस्ट फैशन में होता है वो सब यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। ये है पीच का सेंटर एरिया इसका, यहाँ पर हर तरह के ट्रेंडी शूज़ फुटवेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा ये मार्केट है, बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने यहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की क्योंकि मैं शूट कर रही थी वीडियो, और वीडियो शूट करते हुए शॉपिंग करना मुझे थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान यहाँ से ख़रीदा है, अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। आप तब तक इन्जॉय कीजिए मेरठ की फेमस लाल कुर्ती मार्केट। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर जुतियाँ थी, मैंने भी ये प्रिंटेड वाली ली है, और जस्ट 250 इसका कॉस्ट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। और हर क्वालिटी की, हर तरह के डिज़ाइन में यहाँ पर जुतियाँ थी, और बहुत ही रीज़नेबल इनका प्राइस था। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको ये पूरा गारंटी के साथ दे रहे थे, आपको 50 रुपीज़ से लेकर 500, 1000, 1500 तक यहाँ पर ज्वेलरी जाती थी, क्वालिटी के हिसाब से, डिज़ाइन और वैरायटी के हिसाब से। हर तरह की ट्रेंडी ज्वेलरी यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। जैसे दिल्ली के आप सरोजनी में जाते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह की ट्रेंडी चीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, तो उसी तरह की यहाँ पर ये लाल कुर्ती मार्केट है। यहाँ आईलैशेज भी थी, रिंग्स तो इतनी प्यारी थी, और सभी चाहे हैवी हो चाहे लाइट वेट हो, 100 to 150 इनका प्राइस था। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन थी, बहुत ही फाइन क्वालिटी के एडी स्टोन्स इसमें लगे हुए थे, एडी के। और बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर ये रिंग का कलेक्शन लगा, कुछ रिंग मैंने ट्राई भी की, हालांकि परचेज तो नहीं की। ऐसी मार्केट में जब आप जाते हो ना, मेरा तो इतना मन कर रहा था कि ये भी सामान ले लूँ, वो भी सामान लूँ, और मैंने काफ़ी हद तक शॉपिंग भी की है। देखिए यहाँ पर चूड़े, बहुत तरह के चूड़े थे, जो कि आपको नॉर्मल शॉप्स में बहुत हाइप करके रेट दिए जाते हैं, सेम क्वालिटी में यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस में हर वेराइटी का बैंगल सेट यहाँ पर था। और ये ब्लू सूट में जो है वो है मेरी छोटी भाभी, हम दोनों ही गए थे, गर्मी बहुत थी। फिर हम गए थे यहाँ के फेमस डेरा वाला शेक पॉइंट पर, यहाँ देखिए कितनी
इतनी तरह के शेक और जूसेस थे, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी थे, और सभी का बहुत ही रीजनेबल रेट था। तो मेरी भाभी ने लिया मैंगो शेक और मैंने ली सोडा सिकंजी। आपको पेमेंट काउंटर पे करना पड़ता है, वहां से आपको इस तरह के टोकन दिए जाते हैं, देखिए मैंगो शेक का टोकन है, और इसे देकर आप अपना जूस या शेक कलेक्ट कर सकते हैं। और यह है मेरी छोटी भाभी भावना। तुम मैंगो शेक पी रही हो और मुझे पिला रही है सोडा सिकंजी, देख लो। हम काफी लेट घर आए थे, फिर आने के बाद मेरा छोटा भाई लाया था सबके लिए चाट, गोलगप्पे, आलू की टिक्कियां। फिर हमारी रात को हुई चाट पार्टी, और मतलब यूपी की चाट मेरठ की बहुत फेमस है। मुझे मतलब मैं अपने यहाँ के अलावा कहीं भी ऐसे गोलगप्पे और ये सब नहीं खाती हूँ, और घर जाती हूँ तो ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। इससे मैंने रिलेटेड एक शॉर्ट भी बनाया था, तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। देखिए हमारा चाट का ठेला लग गया टेबल पर, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और ये मेरी भाभी बना रही थी गोलगप्पे और सबको खिला रही थी, तो बहुत एंजॉय किया चाट खाने के बाद, इतना खट्टा खाने के बाद। ये है मेरी फेवरेट डेजर्ट जो कि सिर्फ सावन में बनती है, घेवर। इतना स्वाद ये घेवर लगता है, पतली सी इस पे मावे की लेयर होती है। मतलब मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा मन कर रहा है कि इसमें वीडियो से ही निकाल के मैं इसे खा लूँ, बहुत टेस्टी मुझे ये लगता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आगे आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किए हैं, अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रात का टाइम होता है बच्चों का खेलने का टाइम, ये सारे एक ही गेम खेल रहे हैं लेकिन ऑनलाइन। बच्चे आजकल हाईटेक हो गए, ऐसे आउटडोर गेम ये दिन में खेलते हैं, और रात का टाइम होता है इनका मस्ती का, फुल ऑन सब मोबाइल में लगकर गेम खेलते हैं एक साथ।